वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो सेल्स में है और सेल्स में स्ट्रगल कर रहे हैं। उन लोगों को बहुत सारे डाउट हैं कि सेल्स कैसे करें, सेल्स की फील्ड लें कि ना लें, सेल्स कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दोस्तों सेल्स इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। अगर आप सेल का मतलब समझ गए तो आप लोग कभी भी सेल्स में निराश नहीं होंगे और सेल्स में कभी भी आपको फेलियर नहीं होगी। मैं इसलिए आप लोगों को ये चीजें शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद को आई हैव 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो ऑन दैट बेसिस मैं आपको ये अपना छोटा सा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बात करते हैं कि सेल्स होती क्या है। दोस्तों आप सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि सेल्स में जो सेल है SALE, बस उसी में सारा सार छुपा हुआ है। अगर आप सेल का मतलब समझ गए, सेल में जो चार अल्फाबेट हैं अगर आप उनका मतलब समझ गए तो आप कभी भी सेल्स में फेलियर नहीं देखेंगे। क्या, चलिए बताता हूं मैं आपको। सेल्स जो सेल है उसमें पहला अल्फाबेट है S, S फॉर सिंसियरिटी, A फॉर आस्किंग, L फॉर लिसनिंग एंड E फॉर एथिक्स। तो दोस्तों पहले शब्द को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, S सिंसियरिटी। दोस्तों सेल्स में आप अगर सिंसियरिटी के साथ किसी भी क्लाइंट के पास जा रहे हैं, सिंसियरिटी इन एवरी टर्म्स, सिंसियरिटी आपको वैसी ही दिखानी है जैसा आप उसकी जगह पे बैठ के देखो, अगर आप वो प्रोडक्ट खरीद रहे होते तो आप क्या सोचते और आप क्या सुनना चाहते सामने वाले से। आप उसको पुश मत करिए कि आपका वो प्रोडक्ट खरीदे ही खरीदे। डोंट गो टू अ क्लाइंट विद एन योर एजेंडा। आप कभी भी क्लाइंट के पास अपने खुद के एजेंडे के लिए मत जाइए कि आपके पास टारगेट्स हैं, आपकी स्कीम है, आपके पास ऑफर्स हैं। आप क्लाइंट की चीजें सुन ही नहीं रहे हैं और अपने एजेंडे को सिद्ध करने में लगे हुए हैं, तभी सेल नहीं होगी। यू गो टू अ क्लाइंट विद वेरी सिंसियर मैनर। ए आस्किंग, 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 जैसा इस नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पूछिए क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो क्या चाहता है, क्यों चाहता है, कब चाहता है, क्या चाहता भी है कि नहीं। आप उसको अपना एजेंडा मत इम्पोज करिए, मत थोपिए। आप उससे जितना पूछेंगे आपको उसकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स उतनी ज्यादा से ज्यादा पता चलेंगी। तो पूछिए उससे। ए स्टैंड्स फॉर आस्किंग, आस्क हिम और हर व्हाट हिज और हर रिक्वायरमेंट्स आर, देन यू विल गेट टू नो कि आपको उसको क्या सजेस्ट करना है, आपको उसको क्या बेचना है। प्राइस डजंट मैटर, अगर कस्टमर कन्विंस हो गया तो ऑन वॉट एवर प्राइस यू विल आस्क हिम फॉर ही विल परचेज डेफिनेटली। बट आप स्टार्टिंग में उससे पूछिए 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 विद अ वेरी हम्बल स्माइल, विद अ वेरी सिंसियर मैनर उससे आप पूछिए। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, S फॉर सिंसियरिटी, A फॉर आस्क, L फॉर लिसन। अब आप उसको सुनिए वो एक्चुअल में क्या चाह रहा है, वो चाह भी रहा है कि नहीं, कि आप उस पर थोपे जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं। तो लिसन हिम केयरफुली, लिसन हर केयरफुली, लिसन देम केयरफुली, ठीक है। तो ई एथिक्स, दोस्तों एथिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सेल्समैन, फॉर अ सेल्स पर्सन। सिंपल सा दो लाइन में ही खत्म करूंगा, आप कंपनी बदल सकते हो, मार्केट नहीं बदल सकते, तो एथिक्स से काम करिए। झूठ मत बोलिए, चीजें थोप के मत आइए, सिंपल जो अपनी भाषा में बोलते हैं उसको चिपका के मत आइए। उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी वो नीड है, तो उसको बेचिए, बेस्ट चीज, बेस्ट सॉल्यूशन उसको सजेस्ट करिए। आपको सेल्स में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप सिंसियरली उससे पूछेंगे, उसको सुनेंगे और अपने एथिक्स प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे, उसके पास जाएंगे तो आपकी सेल होगी ही होगी। थैंक यू। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।